दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि जिन लोगों ने अपना GSTR-3B अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करा, जुलाई 2017 से लेकर सितंबर 2018 तक की जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दिया गया था उस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर कि उन लोगों का जो लेट फीस है वो माफ कर दिया गया है, वेव कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जब भी हम लॉगिन करके अपने लास्ट रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करते थे, जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के बीच का जो भी रिटर्न हमारा रह गया था, अगर हम उसे रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते थे तो लेट फीस फिर भी शो कर रहा था। तो लोगों में ये काफी चिंता बनी हुई थी कि जो काउंसिल मीटिंग में ऐसा बोल दिया गया है कि आपकी लेट फीस माफ कर दी गई, तो वहां पर क्यों मेंशन हो रहा था। तो मैंने कई अपने क्लाइंटों को भी समझाया था, कई अपने फ्रेंड को भी मैंने ये चीज बताई थी कि अभी वेट कर लीजिए, अभी सिर्फ काउंसिल मीटिंग में बताया गया है। जैसे ये नोटिफिकेशन हमारे जीएसटी पोर्टल पे शो होने लगेगा, उम्मीद रहेगी कि वहां से भी लेट फीस जल्दी हट जाएगी। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए खासतौर से बना रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव डेमो के साथ कि जब आप अपना जब रिटर्न फाइल करेंगे प्रीवियस ईयर का, यानी 2017 से 2018 के बीच जुलाई से लेके सितंबर का जो भी रिटर्न आपका छूट गया था, अगर आप उसे फाइल करते हैं तो उस पर आप कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी दोस्तों। तो चलिए मैं वही आपको दिखाता हूँ। इस टाइम देख सकते हैं मैंने लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद फाइल रिटर्न पे जब मैं जाऊंगा, फाइल रिटर्न पर जाने के बाद यहाँ हम अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि इनका मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए सितंबर है और सर्च में करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इनका GST 3B रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके जो भी आउटवर्ड है, इनवर्ड है, उस पर यस करिए, नो करिए। तो अगर आप लोगों का नील केस है कि आपका कुछ भी सेल नहीं हुआ था, ना ही परचेस हुआ था, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करते ही सारे के सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑप्शन यस करने होंगे। तो फिलहाल मैं इसको नो करता हुआ चला जाता हूँ क्योंकि इस केस में इनका कोई भी आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू वॉन्ट एनी इंटरेस्ट और लेट फीस। अगर मैं इस ऑप्शन को यस भी करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ तो भी देखिए यहाँ पे 00 आएगा। जबकि पहले क्या होता था कि अगर हम उस ऑप्शन को यस भी करें या नो करें तो भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट एंड लेट फीस देख लेते थे, यानी यहाँ मेंशन हो जाता था कि हमारा कितना लेट फीस लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे कोई भी लेट फीस मेंशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अब जीएसटी पोर्टल से भी, यानी जीएसटी पोर्टल को भी अपडेट कर दिया है कि वहां पे आप कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन मेंशन हो रहा होगा रेड कलर में, ये जो आप देख सकते हैं बेल बटन, इसी लाइन में यहाँ पे दिखाएगा कि एज पर नोटिफिकेशन 75/76/77/2018 डेट 31 दिसंबर 2018 द लेट फीस हैज बीन वेव ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ GSTR 1, 3B and 4 The tax period ranging from July 2017 to September 2018 if return स्टेटमेंट इज फाइल फ्रॉम 22 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2019, यानी इसको 31 मार्च 2019 तक को वेव कर दिया गया है। तो अब आप लोगों के पास गोल्डन चांस है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ इस डर के कारण कि मेरा लेट फीस बहुत ज्यादा वहां मेंशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको अपडेट कर दिया है, वहां से हटा दिया है। अब आप अपना रिटर्न फाइल इजिली कर सकते हैं दोस्तों। जब आप इसे सेटअप वगैरह करेंगे तो उस केस में भी आपके सामने कोई भी लेट फीस मेंशन नहीं होगा। तो आप लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से 2019 में कि आप अपना रिटर्न फाइल बिना लेट फीस के भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी नॉलेज मिली हो और काफी राहत भी मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ हमारे चैनल से भी जुड़ जाए ताकि यहाँ पे जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर काफी कुछ सीख पाए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।